जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा, कैपिटल इंटरनेशनल बिल्डर्स एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट और इस बतौर इस्लामाबाद स्टेट एजेंट एसोसिएशन का कोऑर्डिनेटर और एग्जीक्यूटिव मेंबर के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर अपने व्यूवर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए और इंक्वायरी होल्डर्स के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता है जी, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो है वो एक डिस्काउंट जो पॉलिसी है उसका ऐलान किया है, ठीक है, फॉर न्यू कमर्स और जो पहले से जो मेंबर्स हैं उनके लिए या जो लोग डिफॉल्टर्स हो रहे थे उनके लिए। तो एक काफ़ी ज़्यादा शिकवा आया है हमें, बेसिकली जो रेगुलर जो लोग पे कर रहे हैं उनकी जानिब से। आप मेरी वीडियो के नीचे भी देख सकते हैं जो मैंने कल पोस्ट की थी, और वैसे सेवरल जो हमारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मेरा चैनल जो है ये न्यू है, मैंने 2020 के स्टार्ट में अभी इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पांस आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 1700-1800 के नियर ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो सब्सक्राइबर आ गए, और जिसे कहते हैं कि एक अच्छी आउटपुट आई आप लोगों की जानिब से। तो आप लोगों की खलूस की मोहब्बत का मैं मशकूर हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा हमें शिकवा आया था जी मुझे क्लाइंट्स का, क्योंकि कैपिटल इंटरनेशनल अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से काम कर रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी का। तो जो हमारे जो क्लाइंट्स थे जो रेगुलर पे कर रहे हैं उनके जन्म से काफ़ी ज़्यादा शिकवा आया था कि जी आप लोगों ने डिफॉल्टर्स को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं कि एक्नॉलेज किया है, न्यू कमर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्नॉलेज किया है, तो जो लोग रेगुलर जो पे कर रहे हैं तो उनके लिए भी कोई इंसेंटिव्स होने चाहिए, कोई डिफरेंस होना चाहिए कि उन लोगों ने अगर पे किया तो कोई आप लोग भी कोई उनको आउटपुट दें इन द शेप ऑफ कोई रिटर्न। तो वो जी कल ही कंसर्न हायर मैनेजमेंट तक जो था वो पहुंच गया था, ठीक है। आप लोगों ने जो चीज़, क्योंकि जब एक बंदा एक एरिया का काम कर रहा होता है तो डेफिनेटली उस पर प्रेशर आता है इस तरह की चीज़ों का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल ही कह दिया। और मैनेजमेंट को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा कि वो कल ही अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो चीज़ कंसिडर की और हमें उसका आंसर दे दिया कि ये चीज़ें हैं, आप ये चीज़ अपने क्लाइंट्स को बताएं, अपने व्यूवर्स को बताएं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, और जो चीज़ें अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपनी पेमेंट्स जो हैं वो टाइम के ऊपर पे कर रहे हैं। तो ये जी अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगा हूँ, ठीक है। और ये मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो मेंबर्स हैं और जो टाइम के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं कि ये इंसेंटिव जी आप लोगों को मिलेंगे। तो हम एक बेसिकली वन बाय वन जो पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन है इसके रिगार्डिंग कि कौन सी चीज़ मिल रही है जी, क्या मिल रही है, हर बंदे की अपनी। मैं वो चीज़ आपको बताने लगूँ इंशाल्लाह, इस चैनल पे आपको जो चीज़ भी मिलेगी वो चीज़ मिलेगी जो सोसाइटी की जानिब से, जो मैनेजमेंट की जानिब से होगी। तो मैनेजमेंट की जो जानिब से जो चीज़ आई है वो मैं आपको बताने लगूँ जी। सबसे पहले ये है कि जी जो ये है कि प्लॉट एलोकेशन जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने रेगुलर पे किया, नंबर वन। दूसरे नंबर पर जो प्लॉट की कैटेगरी, जो प्लॉट्स होते हैं, मतलब जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि ये आपके प्राइम लोकेशंस के प्लॉट हैं, ये सबसे पहले उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जो रेगुलर पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब दो बंदे आ जाते हैं, एक बंदा वो है कि जो डिफॉल्टर है और एक बंदा वो है जो रेगुलर पे कर रहा है, वो कहते हैं जी मुझे कॉर्नर का प्लॉट चाहिए। तो सोसाइटी सबसे पहले जिस बंदे को कंसिडर करेगी वो रेगुलर पे वाले को करेगी, ठीक है, कि ये चीज़ है, आप एडिशनल चार्जेस पे करें तो हम आपको ये देंगे। जो दूसरा बंदा है उसको वो बाद में कंसिडर करेंगे, नंबर दो हो गए। तीसरे नंबर पर यह है जो ये जो पॉइंट है तीसरा, ये मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें जो है ये वाला कि प्रायोरिटी विल बी गिवन ऑन पोजेशन ऑफ प्लॉट्स। Even first 200 members who apply for possession will get 50% discount on development charges. ये तीन पॉइंट्स हो गए जी। फिर चौथे नंबर पे है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है टेक्निकल पॉइंट है, ये जो लोग इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट समझते हैं, ठीक है, ये उनके लिए ये है, बाकी आप अपने ऑन पे सर्च भी कर सकते हैं ये चीज़ क्या है। इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट डिफरेंस विल नॉट बी चार्ज टू रेगुलर क्लाइंट, ठीक है, और कंपनी हैज़ द राइट टू इम्पोज दिस चार्जेस एज मेंशन इन द बुकिंग फॉर्म। मतलब कि जो आपको पता है हमारा पैसा पाकिस्तान का जिस लिहाज से डी वैल्यू होता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जो रेट डिफरेंस है ये रेगुलर क्लाइंट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, जो डिफॉल्टर जो बंदा होगा उसके ऊपर ये चीज़ें इंप्लीमेंट ज़रूर होगी। इसी वजह से प्लीज़ कोशिश किया करें, मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज़ कहता हूँ कि जब कोई चीज़ बुक करवाएं कोशिश करें उसकी इंस्टॉलमेंट लाजमी दिया करें। इधर
इधर हमारा ट्रेंड थोड़ा डिफरेंट है, इधर चादर हम फैला के बाद में पाँव रखते हैं, ये चीज़ नहीं करें। देखें, जब आप पैसा देते हैं तो डेवलपर वही पैसा आपका यूटिलाइज़ करता है, जब आप लोग पैसे नहीं देंगे तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो आपको डेवलप करके देंगे या नहीं देंगे। तो कोशिश किया करें कि जो चीज़ बुक करवाएं उसको फिर उसकी इंस्टॉलमेंट टाइमली जो है वो, ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। फिर उसके बाद आ गया जी, सरचार्ज विल नॉट बी इम्पोस्ट विच इज़ 0.25% पर डे, ये चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अच्छा, एक जो छठा पॉइंट है ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है इंस्टॉलमेंट के हवाले से, कि कितना कितना डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं, ये मैं एंड पे डिस्कस करूँगा और रेशो भी बताऊँगा। सातवें नंबर पे जी, सातवें वाला पॉइंट भी मैं आपको एंड पे बताऊँगा, ठीक है, छठा और सातवां। आठवां जो पॉइंट है कि रेगुलर जो लोग पे कर रहे हैं उनको 10% तक कैपिटल स्मार्ट सिटी डिस्काउंट देगा, जो उनके फीचर्स हैं, जो उनके अम्यूनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल कौन से हैं वो भी मैं थोड़ा बताता हूँ। लेजर क्लब है, आपको पता है, यॉट क्लब है, ठीक है, ये जो आपका होता है यानी कि जिसे कहते हैं किश्ती रानी का, ठीक है, और इसके अलावा रिवर साइड क्लब है एंड सो ऑन। ये सब जो रेगुलर लोग जो पे कर रहे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी जो है वो 10% तक डिस्काउंट देगी। ये आप चीज़ें अपनी जो फाइल वर्क आप लोगों का है उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं। फिर जो एक एक पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुई है, ठीक है, वो ये चीज़ है कि जो डिफॉल्टर जो लोग थे ना, जो लोग मतलब 20% जमा कराई या इस तरह, फिर आगे कोई चीज़ जमा नहीं कराई, बेसिकली इधर बहुत से जो डीलर्स हैं उनका हद से ज़्यादा जो है वो फॉल्ट है, कि वो लोगों को हमारे जो है वो जिसे कहते हैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं एक लॉलीपॉप दे के, कि जी यार तुसी बस यार बुक करा लो, तो यार फिर मेरी जिम्मेदारी है मैं बेचना। भाई ये चीज़ नहीं होती। आपने जब एक बंदे को बुक करवाना है तो कोशिश करें फिर उसको ये भी चीज़ कहें कि भाई टाइमली आपने इंस्टॉलमेंट देनी है आपकी, हम एक चीज़ बनाने जा रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक रीज़नेबल प्राइस के अंदर हम आपके करवाने जा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, जो फर्स्ट एवर स्मार्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो उसके अंदर ये क्या हुआ जी, बहुत से लोग इस तरह उन्होंने लोगों को फंसाया, और जी आगे उनके पास पैसे नहीं थे इंस्टॉलमेंट देने के, तो सोसाइटी जारी बात है, देखें एक फंड्स की ज़रूरत होती है, एक चीज़ को आपने जब मेंटेन करना है या जो चीज़ चलानी है तो फंड तो डेफिनेटली एक चीज़ की चाहिए होते हैं। सोसाइटी ने फिर क्या किया, सोसाइटी ने उनको ये किया कि जी अब ये थोड़ा सा मैं बता लगा कि रेगुलर जो इन लोगों ने पे किया है, मतलब कि जिन्होंने ओवरसीज और एग्जैक्टिव ब्लॉक टू में, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टिव वन और ओवरसीज ब्लॉक है, तो इसके अंदर ये था कि जिन लोगों ने ओवरसीज़ ब्लॉक वन के अंदर बुक करवाया था और जो डिफॉल्टर हुए उनको इन्होंने मूव कर दिया ओवरसीज़ ब्लॉक टू की जाने, ठीक है, और जो ओवरसीज़ ब्लॉक टू में लेटर ऑन आए थे और जिन्होंने बुक करवाया, ठीक है, और टाइम के ऊपर अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे की, डिफॉल्टर नहीं हुए, उनको ओवरसीज़ वन में शफल कर दिया। इसी तरह एग्जैक्टिव में भी ये चीज़ हुई। अब ये ओवरसीज़ वन और ओवरसीज़ टू के अंदर या एग्जैक्टिव वन और एग्जैक्टिव टू के अंदर प्रॉफिट का एक ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है, ये छोटा मोटा डिफरेंस भी नहीं है, एक ठीक ठाक किस्म का डिफरेंस है। तो ये आप लोगों को जो रेगुलर जिन लोगों ने पे किए हैं उन लोगों को सोसाइटी ने इस शेप में भी एक्नॉलेज किया। आप लोग अपने ओन पे भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें कि प्रॉफिट का डिफरेंस, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट आप लोग करते हैं ना तो उसकी कोशिश आप लोगों की क्या होती है कि जी हमें एक अच्छा रिटर्न भी आए। तो रिटर्न जो जिन लोगों ने अपने टाइम के ऊपर इंस्टॉलमेंट पे की है तो सोसाइटी ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक्नॉलेज भी किया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो दो टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो कोई बंदा उसको समझा नहीं पा रहा, अभी हम इंशाल्लाह ताला आपको वो जो चीज है वो समझाते हैं। अच्छा जी, दो पॉइंट्स रह गए थे, छठा और सातवां। छठा पॉइंट पहले मैं जो है वो पढ़ने लगा हूँ, फिर मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह ताला समझाऊंगा, फिर सातवां भी पढ़ूंगा इंशाल्लाह ताला, वो भी आपको समझाऊंगा। ज़्यादातर लोग तो जो है वो समझ जाएंगे लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को समझाऊंगा उर्दू के अंदर। छठा पॉइंट है जी, बाय अवेलिंग दिस ऑफर रेगुलर मेंबर कैन पे इन एडवांस एंड अवेल दिस डिस्काउंट, नो वरीज टू पे फॉर नेक्स्ट 3 to 18 months depending on the option you avail, while irregular can only avail the discount and has to keep himself regular from next installment to avail the same facilities of regular one, ठीक है, number one ये हो गया। तो अब इसको थोड़ा सा उर्दू में मैं आपको बताता हूँ कि उर्दू के अंदर ये चीज़ जो है वो क्या, इसका मैनी क्या है, ठीक है। देखें जी, इसका बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक तो ये चीज़ होती है कि अगर मेंबर आपका जो ओल्ड क्लाइंट के अंदर है वो ये है कि 3% डिस्काउंट है टोटल यूनिट प्राइस पे जो आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स है, नंबर वन। के दूसरे नंबर पे
अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं ओल्ड क्लाइंट, ठीक है, अब ये जो 7वां पॉइंट है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ, और जो जो पॉइंट मेरा 6ठा और 7वां रह गया था, इनको दोनों को आप मिक्सअप करके मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ कि आप डिफरेंस, आप लोग कहते हैं कि जी डिफरेंस डिफॉल्टर के लिए और जो बंदा रेगुलर पे कर रहा है उसमें इंस्टॉलमेंट के लिए, बाकी तो आपको मैंने सारी चीज़ें काउंट करवा दी। अब ये जो दो टेक्निकल चीज़ें ये आपको मैं समझाने लगा हूँ। अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट पे करते हैं रेगुलर, ठीक है, मतलब कि एडवांस के अंदर आप पे करते हैं, एक बंदा रेगुलर है उसको सोसाइटी ऑफर कर रही है 6% डिस्काउंट ऑफ टोटल यूनिट प्राइस। अगर एक चीज़ 1 करोड़ पे की है तो आपको डिस्काउंट ऑफर होगा 6 लाख रुपए का, ठीक है। और अगर एक बंदा रेगुलर नहीं है, ठीक है, वो 6 एडवांस इंस्टॉलमेंट जमा करवाता है तो उसको ऑफर होगा 3% डिस्काउंट, मतलब कि 1 करोड़ के पीछे 3 लाख रुपया। तो एक 6 लाख है, एक 3 लाख है, मतलब कि अगर 1 करोड़ रुपए की कोई चीज़ है, एक ये चीज़ आपको जो है वो आगे होगी समझ। दूसरे नंबर पे देखें, जो रेगुलर जो आपका है ना क्लाइंट, ठीक है, वो ये ऑफर आपकी अवेल कर सकता है कि आप अगर आप कहते हैं जी हमारे पास 6 एडवांस इंस्टॉलमेंट काफ़ी ज़्यादा एक रेवेन्यू है तो हमें को थोड़ा सा, तो ये डिस्काउंट अप टू मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट वाला है कि जो अभी मैं बताने लगा हूँ, इसमें आप इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के ऊपर 10% तक अवेल कर सकते हैं। अगर आप ये है कि 3 इंस्टॉलमेंट तक डिस्काउंट अप टू मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट ऑन ईच ड्यू एंड आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट, तो ये अब मैंने जो उसका 6ठा पॉइंट पढ़ दिया था, एक दफ़ा दोबारा पढ़ देता हूँ। बाय अवेलिंग दिस ऑफर रेगुलर मेंबर कैन पे इन एडवांस एंड अवेल दी डिस्काउंट, नो वरीज टू पे फॉर नेक्स्ट 3 to 18 मंथ। वही बात आ गई, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन वो यू अवेल, आपकी अपनी मर्जी है रेगुलर बंदे की, कि आपकी अपनी मर्जी है आप कौन सी ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं। वाइल इरेगुलर कैन ओनली अवेल द डिस्काउंट एंड हैज़ टू कीप हिमसेल्फ रेगुलर फ्रॉम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट टू अवेल द फैसिलिटीज ऑफ रेगुलर वन, ठीक है, मतलब जो मरात एक रेगुलर वाले को मिलती है, ठीक है, वो उस कर में कर सकता है अगर वो पिछली अपनी जो चीज़ें हैं, मतलब कि 3% अगर वो ड्यू अपनी पहले करवाता है उसके बाद वो आपके बराबर आके खड़ा हो सकता है, ठीक है, उससे पहले वो चीज़ ये नहीं कर सकता। और आप जो चीज़ है आपको एक 6% ऑफर हो रही है, उसको 3% एक ऑफर हो रही है, ये डिफरेंस है। फिर उसके बाद इन केस ऑफ एडवांस पेमेंट रेगुलर विल गेट 6% डिस्काउंट ऑफ टोटल अमाउंट, वेयर एज इरेगुलर विल गेट 3% डिस्काउंट, वो चीज़ आपको बता दी। तो ये दो चीज़ें थी जो थोड़ी टेक्निकल चीज़ें थी, ठीक है, ये समझाना बेसिकली था, और बाकी ये मैसेज आपको सारा बता दिया। एक दफ़ा दोबारा भी अगर आप कहते हैं तो मैं शॉर्ट में आपको रिपीट करता हूँ। देखिए जी जो ये है कि प्राइम लोकेशन, उसमें आप लोगों को पहले मौका दिया जाएगा, फिर जो लोकेशन है आपकी प्लॉट की नॉर्मल वो भी आप लोगों को मौका दिया जाएगा, फिर जो पोजेशन है उसमें भी आप लोगों को पहले मौका दिया जाएगा, जो फिर आप लोगों में से भी 200 मेंबर जो पहले अप्लाई करते हैं पोजेशन के लिए उनको 50% डिस्काउंट भी दिया जाएगा। डिवेलपमेंट चार्जेस में इन्फ्लेशन एक्सचेंज रेट आप लोगों पर इंप्लीमेंट नहीं हो गए, सरचार्ज आप लोगों पर जो 0.25% के लिहाज है वो इंप्लीमेंट नहीं हो गया। ये जो 6ठा 7वां जो टेक्निकल था इंस्टॉलमेंट का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरह आप लोग का डिफरेंस है इरेगुलर वंस के साथ। फिर उसके बाद ये 8वां है कि जो 10% डिस्काउंट है, जो फीचर्स हैं, जो अमेनिटीज़ हैं, जो कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो ऑफर करते हैं, मतलब कि लेजर क्लब है, यॉट क्लब है, और इसके अलावा रिवर साइड क्लब है, और सो ऑन, जो मुख्तलिफ इनकी फीचर्स है वो। और दूसरे नंबर पे जो सबसे आपके लिए विन विन सिचुएशन है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जिन लोगों ने टाइम के ऊपर पे किया वो आज उनका प्रॉफिट रेशियो आप चेक करें वो कहाँ पे है, ठीक है, वो कौन से ब्लॉक के अंदर, ओवरसीज़ 1 के अंदर है, और जो डिफॉल्टर्स थे उनको उठा के ओवरसीज़ 2 में फेंक दिया क्योंकि वो चीज़ें उन्होंने पे ही नहीं की। तो ये सारी चीज़ें थी जी आप लोगों के लिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी में किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, डिटेल्स के लिए नीचे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर हैं तो +92 10335538111, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, अपनी फैमिलीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे होंगे, और स्पेशली जो मेरे ओवरसीज़ क्लाइंट्स जो हैं वो अपनी फैमिली को सख्ती के साथ जो है वो पाकिस्तान में तलकीन कर रहे होंगे कि सेफ्टी मेजरमेंट्स लाजमी लें और इररेगुलर मूवमेंट से जो है वो फ़िलहाल अवॉइड करें, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।